सोलन के पुराने उपायुक्त कार्यालय में स्थापित नागरिक केंद्र व जिला पुस्तकालय केंद्र का राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने दौरा किया। साथ ही प्रशासन द्वारा युवाओं व वरिष्ठ नागरिकों को दी जा रही विभिन्न सुविधाओं की जानकारी भी हासिल की। कार्यक्रम में पधारने के लिए उपायुक्त राकेश कंवर ने राज्यपाल का स्वागत किया और आभार व्यक्त करते हुए सोलन नागरिक केंद्र में स्थापित विभिन्न व्यवस्थाओं की जानकारी भी दी। उन्होंने आचार्य देवव्रत से प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस प्रकार के केंद्र खुलवाने का आग्रह किया। कार्यक्रम में महामहिम आचार्य देवव्रत द्वारा रेसलिंग में प्रदेश में नाम रोशन करने वाली रानी सहित अन्य खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने जिला प्रशासन की इस पहल की सराहना की और कहा कि आने वाली पीढ़ियों को संस्कारवान बनाने के साथ साथ युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का ये अवसर प्रदान करने वाला एक सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि ये तालमेल पूरे देश सहित हिमाचल प्रदेश में भी चलने चाहिए, जिससे भटकती युवा पीढ़ी को भी मार्ग मिल सके। राज्यपाल ने कहा कि जो सुझाव उन्हें आए हैं कि इस तरह की लाइब्रेरी पूरे प्रदेश में बने और वरिष्ठ नागरिकों को अपने अनुभवों को युवाओं के साथ साझा करने के अवसर मिले, इस अभियान को पूरे प्रदेश के हर जिला व मंडल स्तर पर चलाने का प्रयास किया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये आने वाली पीढ़ियों को एक बहुत संस्कारवान बनाने के साथ साथ और उन युवाओं को पढ़ाई के क्षेत्र में हर प्रकार से आगे बढ़ाने का सुअवसर प्रदान किया। मैं समझता हूँ ये कॉम्बिनेशन पूरे देश और प्रदेश में चलना चाहिए, जिससे भटकती युवा पीढ़ी को भी एक नया मार्ग मिलेगा और वो निश्चित रूप से एक जिम्मेवार नागरिक समाज के बन पाएंगे। निश्चित रूप से जो सुझाव आया है कि पूरे प्रदेश में इस प्रकार की लाइब्रेरी बने, वरिष्ठ नागरिकों को अपने अनुभव युवा पीढ़ी के साथ साझा करने का अवसर मिले, इस अभियान को पूरे प्रदेश के जिला स्तर मंडल स्तर पर चलाने का प्रयास किया जाएगा।